आधे घंटे में छूटेंगे, लेकिन तब छूटेंगे जब आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन। फसाया जा रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको आगे बढ़ रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं, इसीलिए फसाया जा रहा है और वो जातिवाद नहीं कर रहे हैं। क्या लग रहा है सरकार को? हाँ, किसको ये क्या दिया? प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, उस मुद्दे को भटकाने के लिए मनीष कश्यप को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। हम लोग 15 दिन का टाइम देते हैं और 15 दिन में अगर रिहा नहीं हुए मनीष कश्यप जी, तो पूरे बिहार में जो है पूरे बिहार लेवल पर आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चारा नहीं ना चुराए थे, कितनों थे तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि बहुत ही कीमती समय निकाल कर आप यहाँ रहे हैं। तो लगातार हम आपको मनीष कश्यप से जुड़ी हुई अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से बिहार बंद किया गया, बिहार बंद का असर देखने को मिल रहा है और अब मनीष कश्यप को जिस कोर्ट में पेश किया गया है वहां पर प्रोसीडिंग चल रही है और हमारे संवाददाता वहां पर लगातार बने हुए हैं। और अभी जानकारी मिली है कि मनीष कश्यप मामले में तमिलनाडु पुलिस को अगले 72 घंटे की रिमांड मिली है। तमिलनाडु पुलिस अब मनीष कश्यप से इस मामले में पूछताछ करेगी। जहां पर प्रोसीडिंग चल रही है जिस कोर्ट में, वहीं पर हमारे संवाददाता मौजूद है। तो चलिए पटना। आप लोग उतरे हैं, बिहार बंद का आह्वान किया है, क्या कहेंगे मनीष कश्यप को लेके? मनीष कश्यप एक ईमानदार और अच्छे पत्रकार हैं, उनके आवाज को राजनीतिक तरीके से दबाया गया है। तेजस्वी यादव के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, उस मुद्दे को भटकाने के लिए मनीष कश्यप को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। मनीष कश्यप गरीब की आवाज है, बेरोजगार का आवाज है। मनीष कश्यप जैसा ईमानदार पत्रकार की आज नितांत आवश्यकता है बिहार के विकास के लिए। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नहीं, सन ऑफ इंडिया है। मनीष कश्यप के साथ आज पूरा पत्रकार है, बिहार की पूरी जनता है, पूरी न्यायालय है। तमिलनाडु के मामले में लेकर जिस तरह फर्जी वीडियो का मामला सामने आया है, तो क्या मानते हैं ये सही है? बिल्कुल गलत है। मनीष कश्यप को गलत तरीका से फंसाया जा रहा है, तो जांच का विषय है ना। वो जांच का विषय है। अकेला पत्रकार है जो शेयर किया है उस वीडियो को, और लोग भी बहुत लोग बड़े बड़े आदमी है जो शेयर किया है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया, उनके ऊपर क्यों नहीं FIR किया? सिर्फ मनीष कश्यप क्यों, क्या मानते हैं क्यों गिरफ्तारी हुई? तो बोल रहे हैं कि फर्जी वीडियो बनाया गया, यहाँ पटना में शूट किया गया। आप लोग क्या मानते हैं, समर्थक हैं आप? अब समर्थक है, वो तो जांच का विषय है ना। हम लोग थोड़ी मान लेगा की बिल्कुल गलत तरीके से फंसाया गया है। किसी को अपराधी बोलने से कोई अपराधी हो जाएगा सर? नहीं होगा ना, जांच करवाइए। अनंत बाबू का भी जांच हुआ था, मनीष कश्यप का भी जांच हुआ। सबसे पहले बाहर है, कुछ भी हो सकता है, बाहर है। आप लोग सड़क पे क्यों उतरे? जिसके पास तैयार है, मनीष कश्यप भैया को रिहा किया जाए। वो एक ईमानदार पत्रकार, जांच के बाद ही न्यायालय है भैया, ना आप कीजिएगा ना हम करेंगे। न्यायालय जो ऊपर से होगा वो करेगा। तो EOU ने तो पेश किया है ना कोर्ट में, वो तो अति अपराधी थे, तो रेपिस्ट नहीं थे, क्योंकि मुंह में टोपी पहना थे जी। वो तो जाके खुद सरेंडर हाथ समर्पण किए थे। मनीष कश्यप कोई मर्डर नहीं, ऐसा उनके साथ क्यों सलूक किया जा रहा, उनके साथ ऐसा क्यों? चारा नहीं ना चुराए थे, कितनों थे तो चारा नहीं ना चुराए थे। तो आपको क्या लगता है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया? नौमी फेल, नौमी फेल के पास अभी करोड़ों का संपत्ति किसका? बिहार का जनता का है ना, बिहार का जनता का है ना। क्या लगता है, तो तेजस्वी यादव के खिलाफ बोला है, इस वजह से उनकी गिरफ्तारी हो रही है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल जातिवाद करवा रहा है, पुलिस को कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। मनीष भैया कोई जातिवाद नहीं किए हैं, सच्चाई बोले हैं, बोलते हर समय। क्या बोले हम लोग, क्या करें जी, क्या बोले? किसी जात को प्रमोट किए हैं, किसी जात को प्रमोट किए हैं?
है, कोई जातिवाद नहीं किए हैं, बिल्कुल सच्चाई बोले हैं। बोलते हैं हर समय, क्या बोले हम लोग क्या करें जी, क्या बोले, किसी जात को प्रमोट किए हैं, किसी जात को प्रमोट किए हैं, सब लोग को मदद करते हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम कोई भी हो। आपको तो क्या लगता है कि उन इसी कारण उनको पकड़ा जा रहा है? बिल्कुल इसी पर देखिए, वो यूथ आइकन बन गए हैं अभी बिहार में, यूथ आइकन के रूप में वो ऊपर उठ रहा है ना, तो उनको अपना सत्ता के लग रहा है कि हमको डगमगा जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। खान साहब सही बोल रहे हैं तो उनके लिए भी दबाया जा रहा है, मगर वो दबेंगे कभी नहीं दबेंगे, क्योंकि सच्चाई बोल रहे हैं वो। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। मनीष कश्यप का आवाज को सिर्फ दबाया जा रहा है, तेजस्वी यादव को घबराहट इसलिए है, उनके सत्ता का सवाल है, उनकी सरकार गिरने वाली है, इसीलिए उनको जो है खत्म खत्म खत्म। कई आरोप लग चुके हैं मनीष कश्यप के ऊपर, ऐसे छोटे छोटे आरोप जो हैं, झूठे आरोप बहुत सारे लगते रहते हैं। सच्चे जो भी देश के आदमी होते हैं उन पे आरोप लगाते हैं, लगभग करते हैं। अच्छा, गांधी जी पे आरोप लगा है कि नहीं लगा? नरेंद्र मोदी पर भी आरोप नहीं है, रफीस्ट नहीं है, घोटालेबाज नहीं है, ये गलत तरीका से उनको फंसाया गया है। आज पूरे बिहार की मीडिया, पूरे बिहार का न्यायालय, पूरे बिहार की जनता देख रही है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, और जल्द ही वापस आएंगे, जल्द ही छूटेंगे। क्यों फंसाया गया? आप लोगों को लगता है फंसाया गया तो क्यों फंसाया गया, क्या लगता है? फंसाया जा रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है सच्चाई बोल रहे हैं, इसलिए फंसाया जा रहा है, और वो जातिवाद नहीं कर रहे हैं। क्या सच्चाई बोल रहे हैं? सच्चाई बोल रहे हैं, जो भी है गरीब को सच्चाई दिखा रहे हैं, जो छोटे छोटे हैं, जो गरीब है सबको बताया जा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है ना यहाँ पे, स्वरोजगार का व्यवस्था है। एक वीडियो की बात की जा रही है जिसमें महात्मा गांधी को उन्होंने गाली दी है, आप इसे कैसे देखते हैं? महात्मा गांधी को गाली दिया है? अभी 24 घंटा वीडियो देखते हैं, हमको नहीं पता चला। तो बहुत लोग सबको गाली जान बूझ करके मत लोग वीडियो है भी तो उस वीडियो में कुछ गलत बोले हैं तो वो गलत किए तब लोग बोले नहीं, अगर वो वीडियो बनाए तो वो गलत बोले। क्या लगता है? तो वीडियो फर्जी वीडियो है, वो कुछ फर्जी भी वीडियो हो सकता है। और अगर वो सच्चाई बोले होंगे तो योगदान दीजिए। अगर वो वीडियो में दिख रहे हैं तो फिर आप कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे? वीडियो बनाया भी तो जाता है, वीडियो गलत तरीका से आज बनाया जा रहा है, गलत तरीका से फंसाया जा रहा है। अगर उस वीडियो में वो होंगे तो आपको क्या लगता है उनको फंसाने के लिए बनाया गया? बिल्कुल फंसाने के लिए, अगर बोले होंगे तो सच्चाई के लिए बोले, गरीब की आवाज को दबाने के लिए बनाया गया। सच्चाई वीडियो बनता है, इधर का आवाज उधर किया जाता है, वीडियो एडिट किया जाता है। रोड अगर बन रहा है, रोड में अगर इंजीनियर गड़बड़ कर रहा है तो वो दिखला रहे हैं, मिर्ची लग रही है सरकार, मिर्ची लग रही है वहाँ से पैसा जा रहा है, उनके पैसा नहीं जाएगा सरकार को। क्या करेंगे उनके की रिहाई नहीं हुई तो? हम लोग 15 दिन का टाइम देते हैं और 15 दिन में अगर रिहा नहीं हुए मनीष कश्यप जी तो पूरे बिहार में जो है पूरे बिहार लेवल पर आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। तो कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है इसको देखने के लिए आप बने रहिए इंडिया टाइम्स के साथ। प्रोसीडिंग के दौरान क्या कुछ हुआ अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे।